5th standard maths part 1 chapter 5 fractions. So इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे equivalent fractions. Equivalent fractions, अभी एक यहाँ पे एक figure दिख रही है, ठीक है. Suppose ये एक रोटी है, ठीक है, चपाती रोटी. इसको मैंने बीच में से half काट दिया और जो left side है वही बचा है, ठीक है, जो left side वाला है वही बचा है. Suppose एक line फाड़ दी, ठीक है. सो अपने को लेफ्ट साइड फाइंड करना है. अभी ये पूरा सर्कल है तो इसको अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो हो जाएगा वो 1/2. लेफ्ट वाला साइड 1 है ना, अपने को सिर्फ एक ही साइड चाहिए तो 1/2. टू डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये न्यूमिनेटर होता है. डिनोमिनेटर में 2 क्यों आया, ताकि अपन ने उसके टू पार्ट्स किए. सो अभी अपन अभी इसको बीच में से और काट देंगे. अभी इसके टोटल कितने इक्वल पार्ट्स बन रहे, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट्स बन रहे, तो वो क्या हो जाएगा, 1, नीचे आ जाएगा 4. पर ऊपर में क्या आएगा, जो अपने को शेडेड पार्ट दिख रहा है, जो लाइनिंग पार्ट दिख रहा है, उसमें कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, तो ऊपर में आ जाएगा 2 by 4. नेक्स्ट अभी अपन इसको और पार्ट्स कर लेते हैं इसके, एक यहाँ से लाइन और एक यहाँ से. अभी टोटल कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 पार्ट्स. पर लेफ्ट वाले साइड्स काउंट करेंगे तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट्स. और ये जितने भी वैल्यूज दिख रही है, 1/2, 2/4, 4/8, और ये पूरे वैल्यूज इक्वल है, ठीक है. तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तीनों फ्रैक्शंस की वैल्यू इक्वल है. तो इस टाइप से अपन फ्रैक्शंस देखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल दिया है 5/3 विद डिनोमिनेटर 18. मतलब ही डिनोमिनेटर मतलब अपने को इस नंबर को डिनोमिनेटर 18 में कन्वर्ट करना है, मतलब नीचे में 18 आना चाहिए. पर अभी क्या है, नीचे में 3 है, 3 को 18 में कैसे करें, 3 के टेबल में 18 आता है क्या, यस आता है. सो 3 कितने से 18 आता है, 3 6 18 आता है. तो नीचे में डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे, 3 × 6. अगर अपन नीचे में जो नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, अपने को ऊपर साइड में भी सेम वही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा. सो नीचे में अपन ने 6 से मल्टीप्लाई करे तो अपने को ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है. सो अभी क्या बन जाएंगे, 5 × 6 = 5, 6 = 30 / 3 × 6 = 3, 6 = 18, ठीक है. आ गया अभी नीचे 18 डिनोमिनेटर में, तो यही पूछा था और अपने को यही करना था. आंसर क्या आ रहा है, 30 by 18. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 21/35, ठीक है, विद डिनोमिनेटर 5. अभी अपने को ये वाले को 5 डिनोमिनेटर में करना है, 35 है उसका 5 करना है. अभी अपन ने ऊपर में देखा था कि अपन ने 3 का 18 तो कर लिया, क्योंकि 3 के टेबल में आता है 18, तो वो हो गया. पर 35 को 5 में कैसे करेंगे, सोचो ज़रा कि कैसे करेंगे. सो 35 को 5 में अगर अपने करना है तो अपने को डिवाइड करना पड़ेगा. अपन ने अभी मल्टीप्लाई किया इसके ऊपर में, पर अभी अपने को डिवाइड करना पड़ेगा. सो डिवाइड कैसे करेंगे, अभी 35 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. 5 के टेबल में कितने से 35 आता है, 5 7 से 35 आता है, ठीक है. और अपने को एक ऐसा नंबर ढूंढने का है जो ऊपर वाले नंबर से भी डिवाइड हो और नीचे वाले नंबर से भी डिवाइड हो, मतलब ही 21 से भी वो नंबर डिवाइड होना चाहिए एंड 35 से भी डिवाइड होना चाहिए. दोनों वो नंबर के इसमें दोनों भी नंबर आना, वो नंबर के टेबल में दोनों भी नंबर आना चाहिए. सो ऐसा कौन सा नंबर है, 7 5 = 35 होता है एंड 7 3 = 21 होता है.
मतलब इस 7 के टेबल में 21 भी आ रहा है और 35 भी आ रहा है, तो अपने को अपना आंसर मिल गया। 35 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे एंड ऊपर में भी 21 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। 7 से डिवाइड करने बाद क्या आ रहा है, 21 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आएगा 3 और नीचे में क्या आएगा 5। अपने को यही चाहिए था नीचे में 5, अपना आंसर आ गया 3/5। तो इसी टाइप से अपन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं, इसी टाइप से सभी को सॉल्व करना है। जो नंबर अगर डिनोमिनेटर में चाहिए वही नंबर को अपन ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अभी ये जो नंबर दिख रहा है 1/3, 2/3, 4/3, अब इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है 3, 3, 3, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वो हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। अभी ये नंबर में एक इसमें 2 है, 7 है, 11 है, अभी तीनों के डिनोमिनेटर अलग है तो हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। कन्वर्टिंग अनलाइक इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अभी ये 3/4 एंड 5/8, ये दोनों का भी जो भी नंबर डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, उनको अपने को भी सेम करना है डिनोमिनेटर को। कैसे करेंगे? 4 के टेबल में 8 आता है क्या? 4 को अपन 8 बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। सो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, जो नंबर से अपन नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 8 तो 3 2 6 तो हो गया 6/8, डिनोमिनेटर आ गया 8, 6/8 एंड 5/8। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 3/5 एंड 3/7। अब इसके अंदर भी 5 है 7 है, अपन 5 को 7 में बना 5 को 7 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या फिर 7 को 5 में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, जो नंबर को अपन नहीं कर सकते कन्वर्ट उन दोनों को ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 7 5 7 35। सो 5 को अपने को 7 तो 7 को तो 7 में नहीं बना सकते, सो अपने को 5 को भी चेंज करना पड़ेगा और 7 को भी। 5 × 7 करेंगे 35 आ रहा है, 7 × 5 करेंगे 35 आ रहा है। नीचे में जो नंबर से मल्टीप्लाई किया ऊपर में वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें भी 5 से किया तो 5 से करेंगे ऊपर से, तो आंसर क्या आ रहा है 21/35, 15/35। लास्ट एग्जांपल 2/9 एंड 1/6। अभी इसमें क्या करेंगे, 9 को अपन 6 नहीं बना सकते ना ही 6 को 9 बना सकते, पर दोनों भी एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं दोनों भी, तो अपन क्या करेंगे दोनों का टेबल लिख लेंगे, 9 और 6 का टेबल लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 9 मतलब ही उसका टेबल्स, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब ही उसका टेबल। सो 9 का टेबल लिखेंगे, 9 वज़ 9 18 27 36, आप लिख सकते हैं आगे भी। देन मल्टीपल ऑफ 6 क्या है, 6 12 18 24 30 36 then 42, आप इसके आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर अपने को ये दोनों लिस्ट में से कोई कॉमन नंबर्स फाइंड करने के, 18 कॉमन मिला एंड 36 कॉमन है। ठीक है, पर कॉमन में से भी जो सबसे छोटा रहेगा, 18 और 36 में से कौन सा नंबर छोटा है, 18 छोटा है, इसी बोला जाता है LCM, मतलब ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM 18 मिला है अपने को LCM, तो 9 को 18 में करेंगे और 6 को भी 18 में करेंगे। सो 9 × 2 हो जाएगा 18 एंड 6 × 3 हो जाएगा 18, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो इस टाइप से सॉल्व करने का, जिसके मल्टीपल्स सेम आते हैं वही नंबर को अपन उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है कन्वर्टिंग अनलाइक इनटू लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग। अभी इसमें अपने को कंपेयर करना है, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर को कैसे कंपेयर कीजिए, जिसका डिनोमिनेटर सेम मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम मतलब इन दोनों का 11 11 है नीचे में, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसके न्यूमरेटर में कंपेयर करेंगे। 2 और 10 में से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, मतलब ही ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, साइन क्या आएगा इस तरफ आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है।
ठीक है, ये था सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब ये द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही हो जाएगा बड़ा फ्रैक्शन, पर जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक अपन ने इसके पहले पढ़े, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। अभी अनलाइक फ्रैक्शन में मतलब ये जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो ये अनलाइक फ्रैक्शन, पर इसके अंदर देख रहे हैं कि अपन इसके अंदर जो न्यूमरेटर है वो सेम है, ऊपर के दोनों नंबर सेम है। पर जब ऐसा होता है, जब ऊपर के दोनों नंबर सेम होते तो अपन नीचे के कंपेयर करेंगे 7 और 11 को, 7 और 11 में से 11 बड़ा है, सो 11 बड़ा है, पर 11 वाला नंबर बड़ा नहीं हो जाएगा, उसका जो दूसरा अपोजिट वाला नंबर है वो बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर उल्टा है। द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज़ द सेम स्मॉलर फ्रैक्शन, मतलब ये जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वही हो जाएगा बड़ा, इसके अंदर उल्टा करना है। इसमें तो वही जैसे जो ये नंबर बड़ा रहेगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर उल्टा है, ये नंबर बड़ा हो जाएगा तो उसके अपोजिट साइड वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें चेक करते हैं कि इसमें 2/3 और 4/7, मतलब इसमें डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे अपने को, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम डिनोमिनेटर में। तो जैसे अपन इसके पहले देख चुके कि अपने कैसे कन्वर्ट करते हैं सेम डिनोमिनेटर में, तो वैसे ही जैसे 3 और 7, तो 3 × 7 कर देंगे, मतलब ही 21 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 2 × 7 और 3 × 7 14/21, 4 × 3 7 × 3 12/21। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अपन इसके ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, 14 और 12 में से कौन सा बड़ा है, 14 बड़ा है, मतलब ये 2/3 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, तो 2/3 इज़ ग्रेटर देन 4/7। तो इस टाइप से अपन कंपेयर करेंगे नंबर्स को, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट देखते एडिशन, एडिशन 7/12 प्लस 2/12, अभी इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ऐड करना है दो फ्रैक्शन को, सिंपल है, सिर्फ ऊपर के नंबर को ऐड करना है, नीचे के नंबर जैसा का वैसा रहेगा, जैसे 7 + 2 हो जाएगा, नीचे तो 12 है, 7 + 2 9, तो 9/12, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 2/10 प्लस 4/10 प्लस 3/10, इसमें भी सिर्फ ऊपर के नंबर्स को प्लस करेंगे, 2 + 4 + 3 इज 9, सो 9/10। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, बस माइनस करना है, ऊपर के नंबर को माइनस कर देंगे नीचे का सेम ही है, तो 5 - 1 4, तो 4/7। बस इसी टाइप से अपने को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखने, फ्रैक्शन का सभी प्रॉब्लम्स इसी टाइप से करने के, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें अपने को अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन देखना है, मतलब ही जिसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों भी सेम नहीं होते, ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन। सो एडिशन देखते हैं, सबसे पहले 2/21 प्लस 3/7, अब ये दोनों भी जो भी नंबर है इसका ना ही डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, सो अभी अपने को इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा तब जाके अपन उसको ऐड कर सकते हैं। सो सेम कैसे करें, 21 को 7 में कर सकते हैं क्या, या फिर 7 को 21 में कर सकते हैं, सो 7 को अपन 21 में कर सकते हैं, कैसे, 7 के टेबल में 21 आता है 7 × 3, तो 7 को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन 21 में, तो कर देते हैं 2/21 प्लस 3, 7 × हो गया 7 × 3, तो ऊपर में भी 3 करेंगे, जो नीचे में अपन करते हैं मतलब वही सेम ऊपर में करते, तो अभी क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, ठीक है। अभी ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लेंगे, जैसे अपन एडिशन देखा था इसके पहले 9, 10, 11, तो ये हो जाएगा 11/21, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट है 2/7 और 1/2, 7 को अपन 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या फिर 2 को 7 में, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है ना ही 7 के टेबल में 2 आता है, तो कैसा करेंगे, इसके भी एक अलग टेक्निक है या फिर मेथड बोल दो, तो अपन क्या कर सकते हैं, आप इसको तो 7 × 2 कर सकते हैं या फिर 2 × 7 कर सकते हैं, मतलब दोनों भी करना पड़ेगा आपको, 7 × 2 करना पड़ेगा एंड 2 × 7 करना पड़ेगा, तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, तो दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा,
अगर वैसे नहीं करते इसे अपन डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ही ये दोनों का पहले, जैसे 2 × 2 कर देंगे, बीच में क्या है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, देन 1 × 7 1 × 7, ठीक है, डिवाइड, नीचे में कैसे क्या लिखेंगे, ये दोनों का पहले क्रॉस कर लेंगे, देन नीचे में जो नीचे के जो डिनोमिनेटर्स रहेंगे उनका, तो 7 × 2 करेंगे, 7 × 2, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 × 2 = 4, 4 बीच में प्लस है, 1 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 4 + 7 = 11, सो 11/14 अपना आंसर आ गया, 11/14। सो इस स्टेप से अपन ऐड का ऐड करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही करना है, बस माइनस साइन रहेगा, बाकी तो सब मेथड वगैरह सब सेम रहेंगे, आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। सो जैसे 4/6 − 3/5 है, सो 4/6 को अपन 5 नहीं बना सकते, ना ही 5 को 6 बना सकते, तो क्या करेंगे, क्रॉस करके देखते, 4 × 5 बीच में माइनस है, 3 × 6, और नीचे वाले नीचे इसमें क्या करते हैं अपन, सीधे वाले का करते हैं जो नीचे नीचे के उनका करेंगे, 6 × 5, 5 × 4 = 20, देन माइनस 3 × 6 = 18, देन डिवाइडेड बाई 6 × 5 = 30, 20 − 18 = 2 और डिवाइडेड बाई 30। तो इस टाइप से अपन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, अ फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन एंड अ मल्टीपल ऑफ अ फ्रैक्शन। कलेक्शन फ्रैक्शन का कलेक्शन, ठीक है, एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है 1/5 ऑफ 20 डॉट्स, मतलब ही 20 डॉट्स है, उसका है 1/5 पार्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, ऑफ आया मतलब ही किसी का पार्ट या फिर कुछ निकालना है कलेक्शन में से, ऑफ आया तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस नंबर के साथ, सो 1/5 ऑफ 20 डॉट्स मतलब ही 1/5 × 20 डॉट्स, सिंपल है और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ओनली, सो 1/5 × 20 डॉट्स क्या हो जाएगा, 20, जैसे 20 × 1 हो जाएगा 20, नीचे आएगा 5, ठीक है, अभी तो 20/5 मतलब ही 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, 20 / 5 = 4 डॉट्स, अब यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे ये है 5, तो 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो आंसर क्या आ रहा है, 4, तो ऐसा सिंपल भी कैलकुलेशंस होते हैं, तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 1/3 ऑफ 21 बलून्स, मतलब ही 24 बलून्स का 1/3 पार्ट, सो 1/3 × 21, सिंपल, सो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, आंसर क्या आ रहा है, 7 बलून्स। देन अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, अभी इसमें है 3/8 of 64, ठीक है, अभी 3/8, अभी 1/8 भी नहीं, 3/8 एकदम से बड़ा नंबर आ गया, सो 3/8 × 64 करेंगे, इसमें भी अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट कर सकते, जैसे अपन ने इसके पहले किया, 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 होता ना, सो 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, तो बचेगा क्या है, यहाँ पे 3, तो वैसे के वैसे 3 कट नहीं हुआ है ना, इनटू और 64 के जगह पे क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 3 × 8 आ गया, नीचे तो कुछ नहीं, नीचे 1 है मतलब ही कुछ नहीं है, 3 × 8 क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24, तो आंसर क्या आ रहा है, 24, बस इसी टाइप से करने का और कुछ नहीं करना है, एंड इसके जितने भी इस चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है, प्रॉब्लम सेट्स, वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, उसमें आपको एक लिंक मिलेंगी, वो उस पर जाइए तो आपको पूरे सॉल्यूशन सॉल्व मिल जाएंगे।